हेलो बच्चों, बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ती जा रही है। इस चीज की टेंशन नहीं है कि रिजल्ट कैसा आएगा, टेंशन इस चीज की है कि रिजल्ट कब आएगा। आज 29th हो गई है, लगभग 10 बजने में 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है और अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि रिजल्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है। लेकिन अगर एक बात की तरफ हम पीछे 2-3 दिन की तरफ पीछे चलें, डिजी लॉकर की तरफ से ट्वीट आया था कि रिजल्ट के लिए आप हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कल शाम को 6 बजे के आसपास सीबीएसई की तरफ से ट्वीट आया है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मिला जुला के लग रही है कि रिजल्ट आप लोगों का बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि आज 29th हो चुकी है। सीबीएसई के पास 3 दिन का टाइम है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस मिली है उसके अकॉर्डिंग कि 29th आज है, 30th 31st अगर बात करते हैं तो 3 दिन के अंदर सीबीएसई को 2 क्लास का रिजल्ट देना है, क्लास 10th एंड क्लास 12th। कहीं कहीं से ये खबरें भी उड़ती हुई आ रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि 12th का रिजल्ट पहले आ सकता है 10th के रिजल्ट से पहले। क्योंकि पहले तो यही न्यूज आ रही थी कि क्लास 10th का रिजल्ट पहले आने वाला है, लेकिन अब 29th हो चुकी है, 10th का रिजल्ट का आगे कोई भी ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ना है एडमिशंस के लिए। तो सीबीएसई ये सोच रहा है कि हम क्लास 12th का रिजल्ट पहले दे सकते हैं, क्योंकि 12th के बच्चों को आगे जाके एडमिशन्स लेना है आगे फर्दर स्टडीज के लिए, चाहे वो इंडिया में लें चाहे वो फॉरेन में लें। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई की तरफ से ये एक गुगली आ सकती है, सीबीएसई की तरफ से एक बाउंसर भी आ सकता है कि 12th का रिजल्ट पहले आ जाए एज कंपेयर टू क्लास 10th। लेकिन अभी तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बना हुआ है कि रिजल्ट कब आने वाला है, क्योंकि किसी की तरफ से कहीं भी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन कल एक अनाउंसमेंट यही थी कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं, स्टे काम स्टे पेशेंट, और सीबीएसई का रिजल्ट अच्छा होगा, जल्दी ही आएगा। तो लेकिन अभी जो न्यूज उड़ती हुई आ रही है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारी जगह ये खबरें आ रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि 12th का रिजल्ट पहले आ जाए बच्चों क्लास 10th के रिजल्ट से, तो क्लास 10th के बच्चों को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और उसको उनको वेट करना पड़ सकता है रिजल्ट के लिए, क्योंकि 29th हो चुकी है, 31st तक दोनों क्लास के रिजल्ट को देना है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी अभी बिजी थे कर्नाटक के लिए, सीएम के लिए वहां गए हुए थे, तो अभी मेरे ख्याल से वो वापस आ चुके हैं। तो कभी ना कभी इनका जल्दी से ट्वीट आ सकता है या सीबीएसई की तरफ से ही न्यूज चैनल को कोई इंफॉर्मेशन दे दिया जाए कि आज रिजल्ट आ सकता है या नहीं या कैसे भी है, क्योंकि इतने दिनों से तो हम सभी का यही इंतजार चल रहा है कि कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट आए जिससे हमें पता चले कि रिजल्ट कब आ रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है फिलहाल, क्योंकि रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि जो हम लोगों ने परफॉर्मेंस कर दिया है बोर्ड्स की तो यहां बात हो ही नहीं रही है। जो आप लोगों ने 10th में परफॉर्म किया है, जो आप लोगों ने 11th में परफॉर्म किया है, 12th में उसके बेस पे रिजल्ट आने वाला है। तो अभी का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि रिजल्ट कैसा आएगा, अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट कब आएगा। तो क्लास 12th का रिजल्ट पहले आता है या क्लास 10th का रिजल्ट पहले आता है, इसमें भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सबको उम्मीद है कि 10th का रिजल्ट पहले आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, 10th से पहले 12th का रिजल्ट भी आ सकता है। जैसे ही कोई रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन आती है हम आपके साथ जुड़ेंगे। जल्दी आपके चैनल टारगेट 100 पढ़ेगा इंडिया पे। थैंक यू।